श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, भगवान शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करें, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। आज इस वीडियो में विस्तार से बात करने वाले हैं बैसाख पूर्णिमा के बारे में। हम जानेंगे इस वीडियो में कि बैसाख पूर्णिमा किस दिन मनाई जा रही है, साथ ही साथ पूजा का शुभ मुहूर्त क्या, दान करने से सुख समृद्धि प्राप्ति होती है, और जानेंगे बैसाख पूर्णिमा का महत्व। तो बहुत ही विस्तार से बात करने वाली हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक सुनिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बता देते हैं कि साल 2024 में बैसाख पूर्णिमा किस दिन मनाई जा रही है। हिंदू धर्म में बैसाख पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन स्नान दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में अमावस्या और पूर्णिमा दोनों ही तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन स्नान दान करने से पुण्यकारी फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में वैशाख महीने में आने वाली पूर्णिमा का बहुत महत्व होता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण के निमित्त व्रत रखने का विधान है। वैशाख पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति भगवान सत्यनारायण की पूजा करता है, उनकी कथा का पाठ करता है और भगवान को केले के फल अर्पित करता है, तुलसी दल आदि का भोग लगाता है, उनके परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो चलिए जान लेते हैं कि वैशाख पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, तिथि कब आरंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा की तिथि आरंभ हो रही है 22 मई साल 2024 को 6:47 पर, और वहीं इसका समापन हो रहा है अगले दिन यानी 23 मई साल 2024 को शाम 7:22 पर। तो उदयतिथि के अनुसार वैशाख पूर्णिमा 23 मई साल 2024 दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। चंद्रोदय का समय आपको बता देते हैं, तो चंद्रोदय का समय रहने वाला है 23 मई साल 2024 को शाम 7:12 पर। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आपको वैशाख पूर्णिमा का स्नान दान का सही समय बता देते हैं। वैशाख पूर्णिमा पर स्नान दान का समय ब्रह्मा मुहूर्त से ही प्रारंभ हो जाता है। ब्रह्मा मुहूर्त 23 मई साल 2024 दिन गुरुवार को सुबह 4:04 से शुरू है, जो 4:45 सुबह तक रहेगा। इस दिन गंगा नदी या फिर अपने घर के आसपास की पवित्र नदी में स्नान कर दान्य पुण्य का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व बताया गया है। तो इस दिन स्नान और दान पुण्य अवश्य करें, इससे लाभ की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और आपके पूर्वज आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होकर आपको ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो इस दिन दान पुण्य स्नान अवश्य करिएगा दोस्तों। इसके अलावा वैशाख पूर्णिमा को विशेष तौर पर बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों, बौद्ध धर्म में इस दिन का बहुत महत्व है, क्योंकि इसी दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही भगवान गौतम बुद्ध को 7 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद बिहार के बौद्ध गया के बौद्धि वक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी। इसके अलावा भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण समारोह यानी उनके जीवन का अंतिम दिवस भी बैसाख महीने की पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। इसलिए हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म में भी बैसाख पूर्णिमा का और बुद्ध पूर्णिमा का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। बैसाख पूर्णिमा के दिन गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान दान करने से पुण्यकारी लाभ की प्राप्ति होती है। बैसाख अमावस्या के दिन आप वस्त्र, धन, अन्न और फल का दान करें तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम होगा। इसके अलावा आप इस दिन बर्तन, अनाज और सफ़ेद वस्त्र का भी जो है वो दान कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है और आपके जीवन में, आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी होती है और आपके पूर्वज आपसे खुश होकर आपको ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करते हैं।
तो दोस्तों यहाँ मैंने वैसाख पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी आपको दे दी है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। आपका एक छोटा सा लाइक हमें प्रेरित करता है और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक लिए श्री शिवाय नमस्तेभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।